बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार राम भैरवी भजन टेवियक कर ले। अब हरि का सुमरन कर ले तू। धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। कर ले अब हरि का सुमरन कर ले तू। धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। जावेला जान सेला फिर हो न ऐसा मेला। कर संत गुरु की सेवा श्रद्धा से बन कर चेला। भक्ति भाव भर ले तू। कर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। माया की ममता छोड़ो तुम मोह कुटुंब का तोड़ो। सब जग के भोग त्यागे जीव जगत पति से जोड़ो। पाप को हर ले तू। धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। उठ काफिल गफलत तजले कहते हूँ हरि को भजले। कृष्णा और तमन्ना टारे मन को संतोष से रजले। इसी विध तर ले तू। धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। कर ले अब हर का सुमरन कर ले तू। धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। राग भैरवी भजन 23। कर ले अब हरि का सुमरन कर ले तू। धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। अपने ही मन को उपदेश देते हैं कि अब परमात्मा के नाम सुमरन का ये शुभ समय है। मनुष्य का शरीर ईश्वर के नाम का जप करो और ध्यान धर के अपने मन को शांत बनाओ। यह वेला जान सुहेला ये उत्तम समय है। अमोलक शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। फिर वो प्राप्त होने वाला नहीं। संत गुरु के चरणों में बैठ के उनकी सेवा करके और श्रद्धा धारण करके अपने जीवन को सफल बनाओ। मन में भक्ति भाव भरो। भावना से सेवा करो। भावना से नाम का जप करो। माया की ममता छोड़ो। चंचल माया कभी भी तुम्हारी हो नहीं सकती। शरीर भी तुम्हारा नहीं। कुटुंब परिवार भी तुम्हारा नहीं। सब स्वार्थ के नाते हैं। उन सब से मन हटाओ। संसार के भोग विषयों का त्याग करके ईश्वर से जगतपति से परमात्मा से अपने मन को जोड़ो। ईश्वर से मन जोड़ने से मन की पापमयी वृत्ति नष्ट हो जाएगी समाप्त हो जाएगी।
गाफिल गफलत तजले, आलस्य का त्याग करो। आलस्य तुम्हारा सबसे बड़ा वैरी है। आलस्य और प्रमाद को छोड़ के ईश्वर के नाम का जप करो। तृष्णा और तमन्ना टारे, तृष्णा कभी भी तृप्त होने वाली नहीं। तृष्णा न जीर्णम वयमेव जीर्णा, शरीर जर्जर हो जाएगा पर तृष्णाएं जर्जर होने वाली नहीं। उन तृष्णा तमन्नाओं का त्याग करके संतोष और धीरज को धारण करो। इसी प्रकार से संसार सागर से पार उतरने की विधि गुरु महाराज जी इस पावन भजन के द्वारा बता रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेमसा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु, महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में, सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ, सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार, वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार, सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
पठन मनन से होता है, पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा परवाणी हिंदी अमरा परवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।